हेलो दोस्तों, कासमंदा पैलेस एक वेलकम हेरिटेज होटल है और ये मसूरी में है, बिल्कुल मॉल रोड के ऊपर ही ये होटल है। थोड़ा सी चढ़ाई हमें चढ़नी पड़ती है इस होटल पे पहुंचने के लिए, और अच्छी बात यह है कि ये होटल हमें पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। रात को 10:30 बजे तक आप कभी भी नीचे आ सकते हैं, और अगर आप उनके रिसेप्शन पे कॉल करेंगे तो ये अपनी कार नीचे भेजेंगे और ये आपको पिक करके होटल तक ले जाएगी। मैं अपनी कार से मसूरी गया था, तो ये चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा स्टीप है। मैं इतना एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं हूँ कि मैं इस चढ़ाई पे चढ़ा सकूँ, तो मैंने रिसेप्शन पे कॉल किया, इन्होंने अपना ड्राइवर को नीचे भेज दिया और वो मेरी कार को होटल तक ले आए। तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है अगर आप स्टीप चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। देखिए कितनी डेंजरस चढ़ाई है, आप खुद देखेंगे। ये देखिए कितना डेंजरस कट है, इसके लिए बहुत ही एक्सपर्टीज चाहिए। प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। मैं भी आपको रूम टूर कराऊंगा और इस होटल का पूरा टूर कराता हूं। मैंने इस होटल को अगस्त 2022 में विजिट किया था, ऑफ सीजन है इस समय और कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था। देखिए ये होटल 1836 में बना है। रिसेप्शन एरिया में हम एंटर कर रहे हैं अभी, ये रिसेप्शन एरिया है इनका। इस हेरिटेज प्रॉपर्टी में आप ऑब्जर्व करेंगे कि वॉल्स पे राजाओं की फोटोज लगी हुई है, और उन्होंने जो पहले के टाइम पे शिकार किए थे उन एनिमल्स की फोटोज लगाई गई हैं। ये सब राजाओं ने शिकार किया था किसी समय में। प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है, नीट एंड क्लीन। रूम्स हैं यहाँ पर, रूम्स में एंट्री के लिए अभी भी ताले और चाबी का इस्तेमाल ही करते हैं, किसी तरह का भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे हुए हैं। देखिए ये रूम्स बहुत ही स्पेशियस हैं। चेयर्स दी हुई है, यहाँ बैठ के आप चाय पी सकते हैं, और इन्होंने रिसेंटली अब एसीज भी लगा दिए हैं क्योंकि जून और जुलाई में यहाँ पे भी गर्मी पड़ने लग गई है, इस वजह से इन्होंने एसीज लगा दिए हैं। वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल रूम है, हाइजीनिक।
देखिए दिल्ली से मसूरी अप्रॉक्सीमेटली मुझे 5 घंटे लगे थे मॉर्निंग में। मैं मॉर्निंग में 5 o'clock चला था और 10 o'clock के अप्रॉक्सीमेटली मैं मसूरी पहुंच गया था। रोड्स बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं, तो आप अपनी कार ले जा सकते हैं। मसूरी मैं 6-7 साल पहले आया था, इतनी ग्रीनरी नहीं थी, बट अब बहुत ही हिल्स बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो गई है यहाँ पर। ये रूम्स हैं राइट और लेफ्ट में। इनकी मेन अट्रैक्शन है वो है टेरेस एरिया, जहां मैं आपको भी ले जाता हूं। ये इनका डाइनिंग एरिया है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और डिनर में बफे लगता है, क्योंकि मैं ऑफ सीजन में गया था तो वहाँ पे बहुत ही कम गेस्ट थे। इन्होंने आला कार्ट पर हम लोगों को बफे प्रोवाइड किया, ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया था, बफे सिस्टम नहीं था। ये जो इनका टेरेस एरिया है ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे शाम को आप बैठ सकते हैं, मॉर्निंग में बैठ सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से आता है। ये इनका लॉन है, यहाँ पे बैठ सकते हैं। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो एक किड्स एरिया भी है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। ये एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल है, शाम के समय या मॉर्निंग के समय अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ बैठिए और डिनर को एंजॉय कीजिए। फुल ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड से भरा हुआ है इस समय पूरे हिल्स नीचे। ये इनका टेरेस एरिया है। एक टेरेस एरिया उन्होंने और बनाया हुआ थोड़ी सी हाइट पर। ये एक और लॉन है यहाँ पे किड्स के लिए, बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं। तो ये टेरेस एरिया है और एक और टेरेस इन्होंने बनाया हुआ है थोड़ा सा ऊपर जाकर। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। कि पहाड़ पूरे क्लाउड से भरे हुए हैं और ये आपको टच करते हैं जब आप यहाँ बैठेंगे, यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ डिनर एंजॉय करेंगे, क्लाउड्स आते हैं और आपको टच करते हैं। बहुत ही प्लेजेंट वेदर था।